ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदारम्भं ददाति श्रीपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वतीदेवि गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषसन्निभावादि अस्यते सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद स्वागत है। अभी भी भक्तों का दिवाली ख़त्म नहीं हुई है, अभी मना रहे दिवाली। ठीक है, तो आज ऐसे दाऊ जी की पर प्रभु जी का कथा थी उनके द्वारा, पर प्रभु जी सांवरिया सेट गए थे दर्शन करने, तो वहाँ लेट हो गया ट्रैफिक में, तो उनको आने में और थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम सोचे कि आप लोग का समय वेस्ट ना हो, इसलिए हम बैठ गए प्यासा सर में। हम क्षमा चाहते हैं आप लोग को निरुत्साहित करने के लिए।
तो बहुत ही सुंदर श्रीमद्भागवतम में भगवान का लीलाओं का वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी। तो दसवां स्कंद विशेष करके भगवान के कृष्ण की लीलाएं हैं। श्री भागवतम में भक्तों का भी लीला है, भगवान का भी लीला है। तो दसवां स्कंद में सुखदेव गोस्वामी भगवान की बाल लीलाओं का जो वर्णन करते हैं, तो उसमें एक बहुत ही मधुर एक लीला वर्णन करते हैं जो दामबंधन लीला है, दामोदर लीला है, जो हम सभी को बहुत प्रिय है, भक्तों को बहुत प्रिय है। तो जब मैया जसोदा भगवान को बांध दी, संत लोग कहते हैं कि वो रस्सी का कितना सौभाग्य है जो रस्सी भगवान को बांध दी। इसलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं, नमस्ते स्तुदाम्ने स्तुरदीप्ति दाम्ने तदियोदरायत विश्वस्त दाम्ने। आहा, नमस्ते स्तुदाम्ने, वो रस्सी को नमस्कार है। हाँ जी, किसको? रज्जु को नमस्कार है जो भगवान को बांध दिए हैं जी। आहा, तो भगवान की धाम में हर एक वस्तु चिन्मय है और रस्सी भी एक भक्त है। बहुत प्रयास किया गया भगवान को बांधने के लिए, ऐसा तो कोई नहीं किया होगा जितना प्रयास माता जसोदा ने किया। यहाँ पर एक श्लोक है, कोई पढ़ सकते हैं? ये लास्ट वाला, ये मेरे ऊपर जो श्लोक है कोई पढ़ेंगे? क्या है? नंदः किं कर ब्रह्मन् श्रेय एव महादयं यशोदा च महाभागा पपो यस्याहस्तनम हरिः। अद्भुत श्लोक है। इसका अर्थ ऐसा है, नंदः किं करोत् ब्रह्मन्, नंद बाबा ने से क्या किए थे जिनकी आंगन में भगवान परम ब्रह्म स्वयं आके वहाँ पर जो है लीलाएं कर रहे हैं। ऐसे कौन सा बड़ा पुण्य किए थे, ऐसा कौन सा उनका स्वीकृति था, ऐसा कौन सा बड़ा भक्ति किए थे नंद बाबा, जो परम ब्रह्म भगवान श्री हरि स्वयं ही उनकी जो है घर पर आज लीलाएं कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, यशोदाचो महाभागा, महाभागा बहुत बड़ा भाग्य है। क्यों? क्योंकि वही हरि, वही हरि जो हरि शब्द का अर्थ है सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे नाम, वही हरि जो सारे अमंगलों को हरने वाले हैं, प्रेम देने वाले, वही हरि, वो भगवान आज जो है जसोदा की स्तनपान कर रहे हैं। आहा, क्या अद्भुत सौभाग्य है जसोदा मैया का। तो सुखदेव जी कहते हैं इस बात को कि क्या अहो भाग्य। तो विचार करने चाहिए कि हम लोग का कितना सौभाग्य है। हमारा भी वही भाग्य है, महाभागा है जी, हमारा भी महाभाग्य है, हमारा भी बहुत बड़ा भाग्य है। अगर नहीं होता तो यहाँ नहीं होते, सिंपल बात है। अगर महाभागा नहीं होता तो यहाँ नहीं होते हैं जी, यहीं नहीं होते, और कहीं होते, और कुछ करते करते होते इस समय, है कि नहीं? तो हमारे ऊपर भी विशेष विशेष कृपा है भगवान का। तो जसोदा महारानी भगवान को बांध दी, और वो बंधन जो था, रस्सी का बंधन तो था ही नहीं, वो रज्जु का बंधन था ही नहीं, वो बंधन था प्रेम की बंधन है। कौन सा बंधन है? प्रेम की बंधन। ओ, इस दुनिया में ऐसे बहुत गाना है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, गाते हैं ना, तो कोई प्यार का बंधन नहीं है वो तो सच में बंधन है। वो जो कहते हैं प्यार का बंधन, वहाँ प्यार तो है ही नहीं है देखा जाए तो, है ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बंधन है। प्यार को हटा देनी चाहिए वहाँ पर, है ना। इस संसार में हर जगह पे हैं बंधन ही बंधन है। हम हर तरीके से बंधे हुए हैं,
जकड़ते बंधे, और इतना भयंकर रूप से बंधा हुआ है भक्तों, अब क्या बताएं, चाहते हुए भी छूट नहीं पाते ऐसे बंधन। कोई हाथ में जंजीर नहीं बांधा हुआ है मगर बंधन में है, कोई पैर में जंजीर नहीं है फिर भी बंधन में है, है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बंधन। तीन गुण ऐसे बांध के रखे हमें, बहुत तगड़ा रूप से बांधे, दो गुण से तो ऊपर उठ ही नहीं पाते हम। ये दो गुण ऐसा है तगड़ा, बहुत शक्तिशाली है, एक तमस और एक रजस, बहुत तगड़ा गुण है ये दोनों। आह भक्त खूब प्रयास करते फिर भी ऐसे लपेट के सुबह उठा, उठना तो चाहता है बेचारा मगर ऐसे लपेटता है ये तमगुण। भगवान बहुत हृदय से जब जगते हैं लेट तो बड़ा दुख होता है, ओहो बहुत प्लान करके सोया था, करे क्या, हावी हो जाता है गुणों का प्रभाव है हमारे ऊपर। सही बात है कि नहीं है? हम सभी अच्छा कौन चाहता है कि गलत करे? कोई नहीं चाहता, फिर हमको क्यों दंड मिले अगर हम कर चाहते ही नहीं तो? गुणों के प्रभाव, किसके प्रभाव है? और एक गुण बिल्कुल रिलेशन किसके साथ पता है? अच्छे से रिलेशन किसके साथ है? कर्मों के साथ। इसलिए क्या कहा गया है, गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। भगवान ने कहे हैं गुण और कर्म से चार वर्णाश्रम है, चार वर्ण है चातुर्वर्ण, और भगवान बोले मैंने ही इस वर्ण को, चार वर्ण को मैंने ही बनाया है, और ये गुण कर्म के द्वारा है। व्यक्ति तमोगुण में होगा तो तमोगुणी कार्य ही करेगा, व्यक्ति रजोगुण में होगा तो रजोगुण की कार्य करेगा, और पिछला कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है इस जीवन में जो आगे हम करते हैं कार्य, पिछला जन्म का जो भी कार्य है ना, इस जन्म में गुणों के साथ उसका रिलेशन है। हाँ। शरीर भी ऐसे प्राप्त होती है गुणों के हिसाब से, जैसे कर्म के हिसाब से, क्षमा करना कर्म के हिसाब से, ये अच्छा दोस्ती है कर्म का और बहुत बढ़िया दोस्ती है, जैसा गुण वैसा कर्म और जैसा कर्म वैसा शरीर। क्या समझे नहीं समझे? जैसा गुण वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा शरीर। मनुष्य के शरीर में रह के भी अगर भोग भोग करेगा तो उसको तो कुत्ता जैसा ही बोला जाएगा, है कि नहीं? जो कोई बहुत खा के सोता है तो हमारे गांव में बोलते क्या भैंस जैसा खा के सोया है, तुलना कर देते हैं ना, नहीं कर देते हैं, क्या भैंस जैसा कर? गुणों के प्रभाव से उसको हम मनुष्य होने पर भी क्या बोलते हैं? तो ये बहुत तगड़ा जो है बंधन है, हम बंधन के बात कहते हैं, मगर ये सारे बंधन भक्तों खुल सकता है आसानी से, बहुत आसानी से। इसलिए कपिल मुनि माता देवती को कहते हैं कि मैया ये संसार का जो क्या कहते हैं जो आसक्ति है ना, ये बड़ा तगड़ा बंधन है। और क्या सा श्लोक है? प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कवयो विदुः सैव साधु सुकृतौ मोक्ष द्वारम अपावृतम नमोक्षुम बधिम्बा, है ना, है ना दामोदरष्टकम में। तो ये मुक्ति हो सकती है, मोक्ष मिल सकती है, ये सारे बंधन से मिल सकती है। संसार में जो भी आ सकती है वो बंधन है, वो बंधन है। और ये बंधन से मुक्ति क्या है, कैसे प्राप्त होगी? भगवान कपिल देव कहते हैं मैया ये बंधन से मुक्ति चाहिए, जो आसक्ति है इसको डाइवर्ट किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम कहते हैं आसक्ति छोड़ दो, संभव है? आप एक बार विचार करके देखो, आसक्ति छोड़ दो, छोड़ दो घर बार छोड़ दो, संभव है? आपको क्या लगता है? कति नहीं संभव है ना। आसक्ति को डाइवर्ट किया जाना चाहिए,
यही बात भगवान कहते हैं कि वही आसक्ति को क्या करो, उसको डाइवर्ट करो, स्थानांतरित कर दो। किस में करें? भगवान कहते हैं भक्तों में। सएव वही आसक्ति को क्या करो, साधु सुकृतो, किनके? जसोदा मैया जैसे भक्त, प्रभुपाद महाराज जैसे भक्तों के प्रति वैसा आसक्ति बढ़ा दो। हम कल शाम को बात कर रहे थे तो दाऊजी प्रभु कह रहे थे मुझे कि जो जो भक्तों का आसक्ति भक्तों के प्रति है, हमने देखा है, वो अपने अनुभव बतला रहे थे कि प्रभु जी जो जो भक्तों का हमने देखा है कि वो भक्तों के प्रति आसक्ति हैं, वो भक्त अभी भी बढ़िया से भजन में लगे हुए हैं, और जो जो भक्तों का आसक्ति कहीं दूसरा दूसरा जगह पर लगाए थे वो आज भक्ति में जो है थोड़ा नीचे गिर गए हैं। ये सत्य बात है, ये सत्य बात। तो आसक्ति कहाँ लगानी है? हमें प्रभुपाद महाराज जी के प्रति आसक्त हो जाना। कुछ भक्त ऐसे हैं दिन रात प्रभुपाद 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 इतना आसक्त हो गए हैं, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, यही है आसक्ति। यही आसक्ति ही, अब देखिए वो महात्मा तो कहते हैं कमल जो पत्ता होता है जल में रहता है, पंख में रहता है, कहाँ रहता है? पंख में रहता है, मगर पंख से कोई लेना देना नहीं उसको। सही बात है, उसको पंख कोई प्रभावित कर सकता है? आपको क्या लगता है? पंख, पंख तो नाम पता नहीं, आप लोग सुने नहीं सुने, पंकजम, हाँ कीचड़, चलो कीचड़ बोल दिया जाए, हाँ ठीक है कीचड़। वैसे तो पंख कीचड़ नहीं है, पंख कीचड़ नहीं है। खैर अभी जिनको पले नहीं पड़ रहा है पंख शब्द, तो उनको फिर कीचड़ ही कहा जाए तो थोड़ा पले पड़े। पंख अलग चीज होता है, जो हम लोग सरोवर में स्नान आदि किया हम जानते हैं पंख क्या होता है। पंख इसलिए कमल को पंकज कहा गया है, पंख से प्रकट होता है, उत्पन्न होती है, पंकज उत्पन्न होने वाला। तो पंख में कमल पत्ता है, मगर वो पंख से पूरा बिल्कुल निरासक्त रहता है, इतना निरासक्त जल में भी है, और कितना जल में? बिल्कुल भरा हुआ जल में रहता है, मगर जल से कोई लेना देना नहीं। रहता कहाँ? घर में, जल में, मगर थोड़ा भी जल इसके ऊपर गिरे ज्यादा टिक नहीं पाएगा, है ना? आप जानते होंगे कमल पत्ता तो नहीं टिक पाएगा। तो संत यही कहते हैं कि अगर हम संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति, खैर भक्तों से हो जाएगा तो भगवान से भी आसक्त हो ही जाएंगे, भगवान से आसक्त हो ही जाएंगे। तो जो भक्त और भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं वो घर में ही रहेंगे, वो अपने पति पत्नी बच्चों के साथ ही रहेंगे, मगर उनका घर बिल्कुल ही आध्यात्मिक लोक हो जाएगी, संसारिक आसक्ति नहीं रहेगी उनका। कौन सा आसक्ति हो जाएगी? वो आध्यात्मिक, वो भगवान का दिया हुआ संपत्ति समझकर उसको भरण पोषण करेंगे। ये ठाकुर जी का संपत्ति है, हमारा नहीं। तो भक्तों कहने के तात्पर्य यह है कि संसार में बंधन बहुत जकड़ा हुआ है, उसमें कोई हाथ में जंजीर नहीं दिख रहा है, फिर भी हम बंधन में है। तो ये बंधन तो भगवान ही हमें मुक्त कर सकते हैं इस बंधन से। तो अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद कोप, नंद और जसोदा अहोभाग्य उनका, और ब्रज धाम वृंदावन में गुल्म लता भी धन्य है। हम कह रहे थे लास्ट टाइम ब्रज वृंदावन में जो गुल्म लता है, गुल्म लता समझ रहे हैं ना, घास और लताएं हैं, वो भी धन्य है, उनका भी महाभाग्य है। नहीं तो ब्रज वृंदावन में भगवान को दर्शन लीलाएं में उनको स्थान नहीं मिल सकती। ब्रज गोप वो भी भाग्यशाली है कि नहीं? ब्रज गोपियां भी भाग्यशाली है। जो भगवान से रिलेटेड है वो सभी भाग्यशाली है, कुल मिला के ये बात है। तो खैर जसोदा मैया भगवान को बांध दी, और ये प्रेम से बांध दी भगवान को, और
उसके बाद एक लीला हुई है भक्तों। दो पेड़ थे नंद बाबा के आंगन में, बहुत वर्षों से थे, बहुत मीन्स उनका तना बहुत बड़ा था, दो वृक्ष थे। और ये दोनों वृक्ष जो हैं कहीं सदियों से वहां पर थे। तो क्या हुआ, जब जसोदा महारानी लाला को बांध दी, बांध के किचन में चले गई, अब भगवान बोले कि यार बोर लग रहा है, बंधे बंधे। भगवान बोले बंधा तो हूं, दुनिया को बता दूंगा कि बंधन में होने पर भी मैं बंधन को मुक्त कर सकता हूं, ये शक्ति मेरे पास है, मैं भगवान। अगर हमको हाथ पैर बांध दिया जाए तो हम दूसरे का बंधन तो नहीं खुल सके, पहले हमारा बंधन खुला जाए फिर हम दूसरे को मुक्त कर सकते। मगर भगवान तो भगवान है प्रभु, वो बंधे बंधे थे फिर भी उन्होंने जो कुबेर के दो पुत्र हैं उनके मुक्त कर दिए। और उनका जो बंधन था कुबेर के दो पुत्र का, ये बंधन सुन लो। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, ये कुबेर पुत्र थे, वृक्ष कैसे बने भाई? कुबेर पुत्र, हाँ, कोई बड़ा नेता का पुत्र जेल में चला जाए तो न्यूज़पेपर में कितना आता है, हेडलाइंस में आ जाती हैं, बार बार दिखाते लोग, गौर से देखिए ये नेता का लड़का ये किया उसको, नहीं यही कहते हैं। तो कुबेर के पुत्र, अरे कुबेर धन का देवता, सारे धन ट्रेजरर हैं देवताओं का धन का, और उनकी पुत्र वो भी दो, चलो एक बदमाश हुआ तो कोई, दो जन को, दो जन क्या हो गए थे, वृक्ष बने थे। बात ना करिए, फूल हार वाले माता है, हरी हरी हरे कृष्णा, वो इतना मग्न है फूल हार बनाने में, उनको माइक का आवाज भी नहीं पता चल रहा है कि कुछ बोल रहे हैं प्रभु जी। बहुत बढ़िया, ऐसे ध्यान से सेवा होनी चाहिए, बात नहीं करके बिना बात करके, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये बहुत अद्भुत लीला है। तो हुआ क्या, तो परीक्षित जी पूछते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्या हुआ पता है, कोते एक समय की बात है, ये कुबेर के दो पुत्र हैं, पिताजी का, पिताजी बड़ा धनी है, अरे कुबेर है, तो इतना इनको नशा चढ़ा हुआ था, किसका, धन की नशा, तगड़ा नशा चढ़ा हुआ था। अरे ये जो आजकल की जो लिकर है, ये नशा तो आप सुबह पियोगे तो शाम तक उतर जाती है, या शाम को पियोगे तो सुबह तक उतर जाती है, मगर धन का नशा ऐसा नशा है प्रभु, ये जिंदगी भर ना उतरे। अरे छोड़ो, धन नहीं होने वाले को भी चढ़ा रहता है तो धनी वाले को क्या होगा। अब विचार करो, जिनके पास कुछ नहीं है, अब भिक्षु के पास चले जाओ, भिखारियों के पास। वो दादर में एक बार में कोई भिखारी बोले महाराज महाराज कुछ दो, मैंने एक रुपया दिया, रख तेरे पास, एक रुपया देता है, इतना घमंड उसकी, एक रुपये कोई होता है, इतना घमंड। अब बताओ, जब भिक्षुओं को इतना घमंड हो सकता है, जिनके पास है धन, वो तो आप सोचो क्या स्थिति होगा उनका। तो कुबेर पुत्र थे जी, तो क्या हुआ, तो मैं थोड़ा सा आपको अनुवाद पढ़ाता हूँ, ठीक है जी, ध्यान से सुनो। कहते हैं सुखदेव जी, हे महाराज परीक्षित, इन दोनों बालकों के सौभाग्य से, क्या कह रहे हैं, सौभाग्य बोल रहे हैं यहाँ सुखदेव जी, बोल रहे दोनों बच्चों का सौभाग्य देखिए। यदृच्छया च देवर्षि और गर्ग भर्गवास तत्र कौरव अपश्यन्नारदो देवौ क्षिवाणौ सम्मुबुध्यत। कहते हैं यदृच्छया, ये शब्द भागवत में कहीं जगह में आता है, यदृच्छया, यदृच्छया का अर्थ क्या है, भगवान की इच्छा से। यदृच्छया का अर्थ क्या है, यदृच्छया, आप लोग यहां पर आए हैं क्या, भगवान की इच्छा से। यदृच्छया हम नाम जप कर रहे हैं, किनकी इच्छा से, अगर हमारे इच्छा के ऊपर निर्भर किया जाए तो एक माला ना करें, क्या सही बोला गलत बोला,
अगर हमारे इच्छा से चले तो एक माला फेरेंगे नहीं, हम रख दिया जाए। कोई इच्छा होती है माला फेरने के लिए? ना, बिल्कुल नहीं। ये यदृच्छया, यही है कृपा, यही है कृपा। इसलिए भक्त हमेशा कृपा के ऊपर आश्रित रहते हैं, हमेशा सोचते हैं। उनके जीवन में कोई भी कठिनाई भी आ जावे तब भी क्या सोचते हैं? यदृच्छया, ये भगवान की इच्छा से मुझे ये कष्ट आया है, और यदृच्छया उनके इच्छा से ही ये, हाँ जी, ये संकट निकलेगा, पार करेंगे। तो यदृच्छया, यहाँ पर सुखदेव जी का देखो कितना पॉजिटिव थिंकिंग है। यदृच्छया च देवर से, एक बार क्या हुआ पता है, कुबेर पुत्रों के ऊपर कृपा करते हुए देवर से नारद आ गए। हाँ, इन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर से नारद संयोग बस कहाँ प्रकट हो गए? कहते हैं जो महादेव जी रहते थे, महादेव जी कहाँ रहते हैं पता है आप लोगों को? हाँ जी, कैलाश में रहते हैं जी। कहते हैं कुबेरों के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का बड़ा गौरव था। एक तो पिताजी बड़े धनी थे, ये चढ़ा हुआ था नशा। दूसरा क्या था, शिव जी का बड़ा कृपा था, यानी शिव भक्त थे ये दोनों, महादेव जी का भक्त थे, ये भी बहुत बड़ा एक चढ़ा हुआ था। आप बोले इसमें कौन सा नशा है? अरे छोड़ो, भजन करने वाले को तो ज्यादा नशा रहता है, मैं भक्त हूं। हाँ, ये भी बहुत बड़ा नशा है। तो ये लोग बिल्कुल जो है शिव जी की पार्षद होने के नाते बड़ा गर्व था। फलतः उन्होंने क्या किया, अत्यधिक गर्वित होकर, मदमत्त होकर मंदाकिनी नदी, ये गंगा जी का ही, गंगा जी ऊपर मंदाकिनी के नाम पे बहती है। तो जहाँ कैलाश हैं, ये कैलाश नहीं, ये कैलाश नहीं, आध्यात्मिक जगत में कैलाश आता है बिरजा नदी के उस पार, वो कैलाश की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर नहीं। महादेव जी सदा शिव जी हमेशा वहाँ रहते हैं। यहाँ जो शिव जी आप दिखते हैं, ये शिव जी उनकी विस्तार रूप है, उनके अवतार मान सकते हैं आप, सदा शिव के अवतार है यहाँ पर जो भी शिव जी हैं। बाकी जो सदा शिव हैं वो कहाँ निवास करते हैं? ओरिजिनल कैलाश। तो वहाँ पर मंदाकिनी बहती है, गंगा जी का ही दूसरा नाम है। तो उसकी तट पर कैलाश पर्वत है, ठीक है। वहाँ पर ये दोनों भाई जो हैं विचरण करते हुए, बारूणी नाम के दारू पिए थे लोग। किसका क्या नाम है? बारूणी नाम का मदिरा पिए हुए थे। वो अपने साथ गायन करती हुई स्त्रियों को लेके घूम रहे थे उस बगीचे में। उस अभी महादेव जी जहाँ रहते हैं उस जगह कितना अद्भुत होगा, बड़ा मनोरम जगह था। ये वर्णन करते हैं भागवत में कि इतना मनोरम जगह था, उस जगह पे ये लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे? दारू पिए हुए थे, विश्रण कर। जितने अमीर के बच्चे हैं सब बिगड़े हुए रहते हैं ज़्यादातर, बहुत कई रेयर कोई होगा जिसके ऊपर बड़ा कृपा हो वो बचा रहता है, वरना बिगड़े रहते हैं। तो क्या हुआ, वो लोग वहाँ घूम रहे थे और क्या किए, ये मंदाकिनी गंगा की जल के भीतर ये कुबेर के दो पुत्र निर्वस्त्र होकर लड़कियों के साथ में स्नान कर रहे, क्या कर रहे थे? निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं कन्याओं के साथ, जो भी अप्सराएं थे, जो भी देव कन्याएं थे। एक तो पिए हुए थे, दूसरा चढ़ा हुआ था धन का नशा, तीसरा महादेव का भक्त करके ये भी नशा, मैंने तीन तीन नशा चढ़ा हुआ है इन दोनों को। अब क्या क्या आ जाए बताओ। इसके कारण वो लोग गंगा जी में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं। ऐसे हैं शास्त्रों में, कभी भी वरुण देव के सामने निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए, यानी स्नान निर्वस्त्र होकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वस्त्र पहन कर किया जाए। तो ये लोग निर्वस्त्र होके वो भी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, और उतने में और क्या हो रहा था, एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रहे हैं,
लड़कियां इनके ऊपर फेंक रहे, एक दो चार लड़कियां होंगे, अब कितना तो गिनती तो है नहीं। यहाँ पर लड़कियों को लेके आए थे देवत कम कन्याओं को, तो ये लोग कीड़ा कर रहे थे। कहते कैसे कर रहे थे पता है, जैसे गजराज हाथियों की, जैसे हाथी लोग जैसे मतवाला होकर जल कीड़ा करते, वैसे एक दूसरे के साथ पानी फेंक रहे ये इसके ऊपर उसके। अब कहते यदृच्छया, ये यदृच्छया देवर्षि नारद भगवत कृपा से भगवान की परम भक्त देवर्षि नारद वहाँ संयोग बस प्रकट हो गए। वो वहाँ से गुजर रहे थे, कैलाश होकर निकल रहे थे, वो वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा आंखों में घूमते हुए देखकर नारद जी उनकी दशा समझ गए। नारद जी देखें, क्या देखें, जब नारद जी नज़दीक आए, ये जो कन्याएं थे ना, वो तो लज्जा के कारण तुरंत जाके अपने वस्त्र वगैरह पहनकर साइड हो गए डर के मारे लज्जा के। ये दो लड़के उनको कोई आता पता नहीं था सामने कौन है कौन नहीं, वो ऐसे ही पेड़ जैसे खड़े थे जल में नंग धड़ंग। तो नारद जी उनको देख, नारद जी देख के बोले वाह भाई कुबेर पुत्रों का ये स्थिति, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवतरो जना। गीता में कहे हैं भगवान जो जो बड़े लोग करते हैं उसको देख के छोटे लोग सीखते हैं। यद्यद आचरति श्रेष्ठ, अभी कुबेर पुत्र अगर ऐसे किए करें तो दूसरा क्या सीखेंगे उनसे, अरे कुबेर पुत्र ऐसे किए तो हम क्यों ना करें, होता है ना, मेरे पिताजी खींच रहा है तो मैं क्यों ना खींचूं। हमारे टीचर थे, हमें बोलते थे जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पीना है, और दिन में 10-20 वो सिगरेट पीते थे, बेचारा कैंसर से गए, हम थे कैंसर से, अब इतना सिगरेट पीते थे, पर हमें खैर हम तो उस समय यही सोचते थे बेचारा वो तो उससे नहीं बच पा रहा है तो हमको लत लगाने नहीं दे रहा है, ये तो सही अच्छा है ना। तो जो मान लो टीचर ही सिगरेट पिए और स्टूडेंट्स को कहें कि आप मत पियो, तो स्टूडेंट बोलेंगे, आजकल के स्टूडेंट तो बिल्कुल ना माने, उस समय तो फिर भी चलो ठीक है यार बेचारे का कोई बात नहीं, हमें तो कुछ अच्छा शिक्षा था। आजकल के स्टूडेंट को बोलो काउंटर क्वेश्चन कर देंगे, महाराज आप पीते हो नहीं। तो अभी कुबेर पुत्र ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो नारद जी बोले कि भाई इनको तो कुछ कल्याण किया जाना चाहिए, इनको कुछ सुधारना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य, प्रभुपाद जी श्लोक कहते हैं कि नारद जी जहाँ भी जाते हैं और जिस मुहूर्त में वे प्रकट होते हैं उसे अत्यंत शुभ माना जाता है, तात्पर्य में कहा गया है। नारद जी से यानी भक्त जहाँ उपस्थित हो गए तो जगह ऐसे ही पवित्र हो जाता है। एक मेरे पास पता नहीं, वो बहुत सुंदर चैतन्य भागवत में वर्णन है, अगर भक्त कीर्तन करते हुए नाचते हैं तो भूदेव भी सोचते कि मैं धन्य हो गया, भक्त मेरे ऊपर नृत्य कर रहा था। कौन सोचती है, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करें, बहुत सुंदर पया रखे, मुझे मेरा मति उतना याद नहीं है, मुझे बहुत सुंदर प्यार है। कहते अगर भक्त कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, अगर कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं तो भूदेवी सोचती कि धन्य धन्य हो गया मैं, आज मैं पवित्र हो गया, क्योंकि ना भक्तों की चरण मेरे ऊपर पड़ा, नृत्य कर रहा है मेरे ऊपर। और आगे कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, मान लो कीर्तन करते हुए अगर दोनों हाथ ऊपर कर लिए, क्या अगर कीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथ बोलते सुभद्रा महारानी की जाए, श्री गौर निताय की जाए, अगर कीर्तन करते हुए दोनों हाथ को ऊपर कर लेते हैं भक्त, तो स्वर्ग की देवता लोक का कोई संकट होगा तो हट जाता है साइड। क्या समझे नहीं समझे, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं अगर भक्त कीर्तन करते करते दोनों हाथ ऊपर कर लिए, एक बार कर लो आप, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, देवताओं की संकट घुस जाती है साइट में, साइट हो जाती है बिल्कुल। अब सोचो क्या अद्भुत भक्तों का महिमा कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर, इतनी महिमा। इतना ही नहीं, आगे एक प्यार में कहते हैं, और भक्त कीर्तन करते हो अगर देख लेते हैं किसी और,
कोई दिशा देख लेते हैं, पूर्व दिशा देख ली, पूर्व दिशा में जितने ही पेड़ पौधे और जीव है उन सबका कल्याण है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे इसको। आप सोचिए क्या अद्भुतता है भक्तों का। और नारद जी ये तो भक्तराज है, ये भक्तराज है नारद जी, ये ठेकेदार है भक्ति के, भक्ति के ठेकेदार है, ठेकेदार समझ रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं इन्होंने सबको भक्ति प्रदान करूंगा करके। नारद जी नाम बदलाम कर रखे हैं हम लोग उनका, नारद जी में झगड़ा कराते, ना ना भक्ति का प्रचारक है ये। और नारद जी जैसे भक्त कहीं उपस्थित हो जाए, वो भी अपने आप से आ जाए, आप सोचिए ये है विशेष कृपा। यदृच्छया च देवर्षि भगवत तत्र कौर, वहां पहुंचे और सोचे कि इनके ऊपर कृपा होनी चाहिए। अच्छा जो बीमार व्यक्ति हैं अगर डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर क्या बोलेगा, दिमाग खराब है तेरा, पागल कहीं का, ऐसा बीमारी लेके आते हो मेरे पास, चल हट जाओ यहाँ से, ऐसे बोलेंगे क्या जी? अगर डॉक्टर के पास चले जाएं कोई बीमार व्यक्ति, डॉक्टर उसको डांट फटकार के भगा देंगे ना? उनके ऊपर दया आएगी ना, डॉक्टर तो दया करेंगे ना, अरे बेचारा कैंसर से पीड़ित है इसको कैसे मुक्त किया जाए, इससे बेचारे को टाइफाइड हो रखा है इसको कैसे, यही है ना कृपा ही करते हैं ना डॉक्टर लोग हमारे ऊपर, फटकारते थोड़ी ना ना। तो यहाँ पर नारद जी के सामने दो बीमार व्यक्ति हैं, हाँ तो नारद जी सोचे इनके ऊपर कृपा होनी चाहिए। नारद जी महाराज तो क्या किए, त्वं दृष्ट्वा विदिता देवो भवस्त्रा साप संकिताः वासंसि परिवृद्धु शीघ्रं विवस्वो नैव गुहिकौ। कहते नारद जी को देख कर कुमारियों ने तो वस्त्र पहन लिया मगर ये दोनों ने वैसे ही नंग धड़ंग खड़े रहे। देवताओं के दोनों पुत्रों को नंगा तथा ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा गर्भ के नशे में उन्मत्त देखकर देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष साप दिया। दो बार विशेष आया है, देख लो क्या कहते हैं श्लोक में बोलता हूं। तौ दृष्टा मदिरा मत्तौ श्रीमद अंधौ श्रीमद अंधो सुरात्मजौ अर्थयोर अनुग्रहार्थाय सापम दास्यम निदम जगौ। नारद जी ने इनके ऊपर कृपा करने के लिए क्या किए, विशेष कृपा करने हेतु विशेष श्राप दिए। विशेष कृपा, अब कैसे क्या कृपा किया उन्होंने ऐसा और श्राप दिए, इसको विशेष कह रहे हैं आप, स्पेशल श्राप है ये, किसको श्राप दिया जाए, बोले कि बाह धन्य हो गया मैं श्राप। अब इनके ऊपर विशेष श्राप किया हुआ, देखो क्या कहते हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, इन दोनों को कहते हैं, अब ये दोनों तो नशे में थे, इनको क्या समझ में आया। नारद जी कहते इतना बढ़िया बात कहते हैं हमारे लिए, देखिए क्या कहते हैं, मैं श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, बस अनुवाद पढ़ते पढ़ते जाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। नारद जी कह रहे, भौतिक भोगों के समस्त आकर्षण में, समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वान, इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। क्या क्या बोल रहे हैं, एक तो शारीरिक सौंदर्य, ठीक है जी, दूसरा उच्च कुल में जन्म होना, ब्राह्मण कुल में हूँ, ब्राह्मण में भी चतुर्वेदी हूँ मैं या त्रिवेदी हूँ कोई उच्च कुल में, तथा विद्वान हो जाना, बहुत पढ़ा लिखा, ये सब में से जो धन का अहंकार है ना ये ज्यादा चढ़ा रहता है। कोई सोचते होंगे अच्छा भगवान ने हमें धन नहीं दिया, जिनके पास धन नहीं है उनके मन में हमेशा क्या चलता है पता है, यार होता तो मैं ठाकुर जी का क्या सेवा करता, बढ़िया फर्स्ट क्लास, गलत नहीं बोला ना, यही मन में आता है अगर ठाकुर जी हमें दिए होते तो हमने भगवान को बहुत बढ़िया सेवा करते। जिनके पास हैं अरबोपति हैं वो कभी ऐसा विचार करते हैं ना? इसलिए भगवान दिल होने वाले को धन नहीं देते, धन वाले को दिल नहीं देते, समझ में आ रहा है?
जिनका दिल है उनको धन नहीं देते ठाकुर जी। धन आ जाएगा तो उसका दिल क्या हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, है ना। हाँ। ये बात है। तो लोभ बड़ा तगड़ा है। तो महाराज क्या हुआ, तो नारद जी ने कहते हैं कि सभी अहंकारों में जो धन का आकर्षण है ये तगड़ा है। ठीक है जी, यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाए तो वो अपना सारा धन किस में लगाता है, क्या बोल रहे हैं, अगर अशिक्षित हो, अशिक्षित हो धन हो तो थोड़ा तो बुद्धि लगाएगा यार, या गलत जगह पर नहीं लगाना है। मगर अशिक्षित व्यक्ति अगर धनी हो जाए तो क्या कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं, नारद जी की वाणी में कहते हो कहाँ लगाएगा धन को, शराब में लगाएगा एक तो, नहीं तो किस में लगाएगा, स्त्रियों में लगाएगा, नहीं तो जुआ खेलने में लगाएगा, तीन जगह पे वो धन को लगाएगा। यानी जितने भी स्त्रियों में रमे हैं या फंसे हैं, सोचो ये सब बुद्ध नंबर वन है, बुद्धि तो है ही नहीं इन लोग के पास, बुद्धिमान तो ऐसे करेगा नहीं, ऐसी जगह पे पैसा तो नहीं लगाएगा, धन को तो नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना। तो नारद जी कहते हैं कि अगर मूर्ख व्यक्ति का धनी हो जाए, धन मिल जाए तो क्या करेगा, वो धन का कदर नहीं करेगा। बात यह है, धन का कदर नहीं करेगा। खैर श्लोक तो बहुत है, एक आधा पढ़ते हैं जब तक आप लोग आरती नहीं हो जाती हैं। और आगे कहते हैं नारद जी, है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है, या जो राजसी परिवार में जन्म रहते हैं, लेते रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। नारद जी कह रही है, ये तात्पर्य नहीं, अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं, नारद जी का वाणी है। क्या कहते हैं, मूर्ख धृत लोग धन की अंधे होकर क्या करते हैं, निरीह पशुओं का काट डालते हैं। कई न्यूज आया होगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार शिकार कर लेते हैं, कहीं जेल में जाना पड़ता है, निर्दया है नहीं। अरे भक्तों का दया देखो, वो मच्छर को भी मारना नहीं चाहते हैं, ये भक्तों का दया। और निर्दयी लोगों को देखो, वो गाय को भी कत्ल करने में पीछे नहीं। अरे गाय छोड़ दो बाबा, दिन दहाड़े व्यक्ति को गला काट दिया जाए, अब गाय का क्या मैं कहूँगा, हैं आप बताओ कितना क्रूर होगा। दिन दहाड़े वो किसी का गर्दन को हलाल कर दे, काट दे, अब सोचो इतने दुर्दांत हैं, तो अब क्या बोला जाए। तो नारद जिस बात को कहते हैं, तात्पर्य तो मैं बहुत बढ़िया, आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं, जीवित रहते हुए मनुष्य अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व करता है, किंतु वो चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर क्या कहते हैं, देव संगीतमप्यंते कुर्मी बिड़ भस्म संगीतम क्या कह रहे हैं, कहते हैं वो कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो जाए, आदमी क्यों ना हो जाए, राष्ट्रपति भी क्यों ना हो जाए, मृत्यु के बाद उसका शरीर का क्या स्थिति होती है, कहते हैं कृमि कीड़े खाते हैं, या तो कीड़े खाएंगे, अगर कीड़े नहीं, अगर ऐसे डाल दिया जाए कीड़े खाएंगे, है ना, या मिट्टी में दफना जाएंगे तो कौन खाएंगे, कीड़े खाएंगे, या तो क्या होगा, कहते हैं कृमि बिट, कृमियों का मल बनेंगे, कृमि कीड़े खाएंगे और उनका मल ही बनेंगे, है कि नहीं है, मल या राख में परिणत हो जाए, या तो राख बनेंगे, अगर जला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति राख बन जाएगा। तो क्या है दशा, क्या है शरीर का, या तो कीड़े का मल बनेंगे या राख बनेंगे। अगर ऐसे फेंक दिया जाए तो कोई कुत्ता, गधा या सियार या गिद्ध, गिद्ध समझ रहे हैं, क्या कहते हैं ईगल को, क्या बोल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जो भी हैं, समझ में आ रहा है, ईगल, हाँ उनकी भोजन बनेंगे, उनकी भोजन तो क्या, यहाँ पर तो नारद जी कहते हैं उनका बिष्ठा बनेंगे,
हाँ जी, वो खाने के बाद तो कहाँ धारण करेंगे, फिर वो विष्टय होने वाले। तो शरीर का स्थिति यही है, काहे कब गर्व भाई भाई, जब ये शरीर यही स्थिति होने वाला है। बताओ आप यहाँ पर जितने हैं, ऐसा कोई है जिनका शरीर कुछ और होने वाला होगा ना? यही होने वाला, हम सभी का यही स्थिति होने वाला है और ये पक्की बात है। मगर क्या करना है बताइए, ये से ध्रुत लोग अहंकार के कारण ये शरीर को अट्टा कट्टा रखने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए पशुओं को हत्या कर देते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, देखते भी नहीं हैं। तो जो भी है भक्तों, बात यह चल रही थी। खैर बहुत बढ़िया, आपको मैं बतला देता हूँ, ये आप लोग के होमवर्क हैं, दसवां स्कंद भागवत का उसका दसवां अध्याय पढ़ लीजिएगा प्लीज़। 5 मिनट दे दोगे तो मैं ये ख़त्म कर दूँ, आरती में भाग ले लेंगे हम, चलेगा ना? 5 मिनट हो तो ताऊ जी आ गए तो कुछ बताएंगे तुम, बुलाओ वो देखे हम बैठे तो नहीं। तो क्या बोल रहा था? हाँ और भी कुछ बोल रहा था। हाँ मैं ये कह रहा था, आप सभी जो हैं कार्तिक एंड होने से पहले पहले दसवां स्कंद के नवा अध्याय दसवां अध्याय पढ़ लेना। एक में तो दाम बंधन लीला का वर्णन है, ज़्यादा श्लोक नहीं है, 27-28 श्लोक हैं। और दूसरा अध्याय जो है यमलाजन का उद्धार लीला, मैं तो शॉर्टकट बोल रहा हूँ, अब पढ़िए, बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, ये आप लोग के लिए होमवर्क बता दिया, अभी मैं शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि आरती का समय हो गई। तो नारद जी उनको बोल रहे हैं कि भाई कितना दुर्दशा है आप लोगों का, कुबेर पुत्र होकर ऐसा काम कर रहे हो आप लोग, ओह तो मैं श्राप देता हूँ आप दोनों को। क्या? आप दोनों पेड़ बन जाओ। क्या? पेड़ बन जाओ, क्योंकि पेड़ को कोई लज्जा शर्म नहीं है, पेड़ को कोई लज्जा नहीं है, कपड़ा पहना कि नहीं पहना उसको कोई लज्जा नहीं है, पेड़ को कोई लज्जा है ना, कहीं बरसों खड़ा रहता है उसको कोई लज्जा नहीं। तो बोले आप लोग वही पेड़ जैसे खड़े हो नंग धड़ंग, कोई लज्जा नहीं कि महात्मा आए, संत आए, प्रणाम तक नहीं किया महाराज प्रणाम करके, तो श्राप दे दिए आप क्या बन जाओ। अब देख लो, श्राप दिए पेड़ बनने का, तो हमारे दिमाग में ये आता होगा कि ये कौन सा विशेष श्राप हो गया महाराज, ये तो पेड़ बना दिया हम दोनों को। नारद जी अपने से ही देख रहे कि दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं, दोनों कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे खड़े होकर वो पत्थर जैसे देख रहे हैं। नारद जी बोले अरे दोनों के ऊपर कृपा भी करनी है, तो बोले कि जाओ आप दोनों पेड़ बनोगे मगर नंद भवन में बनोगे, ये है कृपा महाराज, ये है कृपा, ये विशेष श्राप हो गई, पेड़ बनना है मगर कहाँ, नंद भवन में पेड़ बनो, जाओ। तब ये जब सुने ये दोनों कुबेर पुत्र, अब तो दुख का तो बात है ही है भाई, कुबेर पुत्रों से सीधा पेड़ बनाया गया है, मगर आनंद भी था, प्रसन्नता थी कि हमें नंद भवन में पेड़ बनाया गया, क्यों, नंदलाल का लीला देखने को मिलेगा, आहा ये सौभाग्य दोनों कुबेर पुत्रों का। हम तो सोचते इसमें श्राप है ही कहाँ, ये तो कृपा ही कृपा है। जो इस प्रकार व्यवहार करे साधुओं के साथ उनको कृपा हो गई, आशीर्वाद। अब देखो ये तो, अब दूसरा तो कोई नाराज हो जाता, कोई और होते नाराज होता, ये क्या व्यवहार है तेरा। नाराज जी तो उनको क्या बोल रहे, जाओ आपको तो श्राप नहीं तो आशीर्वाद, आशीर्वाद देता हूँ, जाओ कहाँ पेड़ बनो, नंद भवन। आप देख लो एक बार नंद भवन में पेड़ बनने के लिए नाराज जी कहें। मैं बतला रहा था कि जो बड़े बड़े योगी महात्मा लोग हैं, राम अवतार के समय पर प्रभु रामचंद्र को कहीं जन्मों से तप कर रहे थे, प्रभु रामचंद्र का दर्शन हो जाए। जब प्रभु रामचंद्र प्रकट हुए राम अवतार में, भगवान राम जब वनवास में कर रहे थे, तो ये जो योगी लोग मिले तो प्रभु रामचंद्र बोले इनका भक्ति देखो भाई, क्या तप कर रहे थे मुझे दर्शन करने। बोले क्या चाहिए बताओ, मैं कृपा से आपको अब जो मांगोगे वो दूंगा। बोले प्रभु एक कृपा करिए, हमें ब्रज में गुड़मलता बना दीजिए, घास बनाइएगा प्लीज। क्या मांगे लोग, ये कहीं जन्म तप किया तब भगवान सामने तो मांग क्या रहे हैं, ब्रज में हमें घास बनाइए महाराज।
क्यों ब्रज में क्यों घास बनना है? क्योंकि ना ब्रज में घास बनेंगे तो प्रभु आप लीला करने आएंगे, आपके चरण हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम कृतकृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे महाराज। भगवान को कहे, भगवान बोले कि वाह क्या भाव है, इनको इतना तप करना पड़ा इतना ही समय से, ये कुबेर पुत्र कौन सा तप किए थे मुझे बताइए, ये तो दारू पी के वहां पर मतलवाले थे। ये है कृपा, एक तरफ भगवत कृपा है एक तरफ संत कृपा है, दिनों दोनों को अगर तोला जाए कौन सा भारी होगा, पल्ला किसका भारी होगा मुझे एक बार बताओ। अब यहीं पर उदाहरण में बता दिया, एक तरफ प्रभु रामचंद्र कृपा कर रहे हैं, कृपा उन्होंने भी करा, एक तरफ नारद जी कृपा किए, एक तरफ वो लोग तप कर रहे थे, एक तरफ ये लोग कोई तप नहीं है इनका, ये तो बिल्कुल मतवाले थे मदमतस्थ थे। अब यहाँ एक महात्मा है वहाँ भगवान है, अब किसका कृपा बड़ा है? हाँ जी, उनको भी कृपा मिली है भगवान का, घास बने ब्रज वृंदावन में, मगर आप देखो ओहो भाग्य क्या है कुबेर पुत्रों को, उनको नंद भवन में गुणमलता नहीं वृक्ष बनाए। और भी विशेष क्या बातें बताओ, वृक्ष तो बनाए बनाए, नारद जी और जाते जाते बोल दिए कि भगवान ही उद्धार कर देंगे आप दोनों को, ये भी आशीर्वाद दे दिया नारद जी, ये कृपा है। वृक्ष तो बनाए बनाए और ये कृपा कर दिए कि भगवान ही आप दोनों को उद्धार करें। तो महाराज हुआ क्या, जब जसोदा महारानी बांध दी लाला को वो चले गई, तो लाला सोचे कि अभी इन दोनों का तो भाई नारद जी बोल रखा है, उनका वचन भी पूरा करनी है, तो भगवान ने गए घिसड़ते हुए गए और उखलते उखल के साथ बांधी थी मैया ने, तो उखल को घसीटते हुए ले गए, ले जाके दो पेड़ हैं उनके बीच में से भगवान निकले, तो क्या हुआ उखल फंस गया दोनों बीच में, दोनों पेड़ के बीच में उखल फंस गया, तो भगवान ने थोड़ा प्रयास करे तो दोनों पेड़ एकदम धड़ाम से नीचे गिरे, कहीं सालों से थे दोनों पेड़ नीचे धड़ाम से गिरे। तो हुआ क्या, वहाँ कोई बड़े बुजुर्ग दिखते नहीं, बच्चे खेल रहे थे आसपास, ग्वाल बाल जो है वो खेल रहे थे। यहाँ हुआ जब आवाज़ हुई ना, दोनों बच्चे देख रहे थे भी क्या हो रहा है, तो दो वृक्षों से दो दिव्य पुरुष निकले, दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, कुबेर पुत्र थे ये दोनों, तो हाँ जी जमलार्जुन थे, नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों का नाम था। ये दोनों प्रकट होकर भगवान से बोले कि आह प्रभु कितना कृपा है आपका हमारे ऊपर, आज हमको धन्य कर दी, आपका हमें जो है दर्शन प्राप्त हो गए। भगवान बोले कि मैंने कृपा थोड़ी किया है, कृपा तो नारद जी कर रखे हैं, वो तो मैं मजबूर था, मैं लाचार था कि आप दोनों को कृपा करना है उद्धार करना, क्योंकि ना नारद जी बोल रखे हैं कि आप दोनों को मैं उद्धार करूँगा। समझ में आ रहा है, जब सबरी प्रभु रामचंद्र को सामने देखी लक्ष्मण जी को रोने लगे, क्या कृपा है प्रभु आपका, बोले कि कृपा ये कृपा मेरा नहीं है मैया, ये कृपा तो मातंग जी ने कर रखा है आपके ऊपर। मातंग ऋषि जब जा रहे थे शरीर छोड़ रहे थे, बोले कि बेटी प्रभु राम आएंगे आपको दर्शन देने यहाँ पर, ध्यान रखना, मातंग जी बोले थे सबरी जी को। वो तब से सबरी रोज भगवान के लिए प्रतीक्षा करती कि ठाकुर जी आ जाएंगे मैं उनको सेवा करूँगी। भगवान कहते हैं कि मातंग जी नहीं बोलते तो मैं इधर क्यों आता है, हमारा कोई काम ही नहीं था यहाँ पर, मातंग जी बोले थे। तो इसमें एक सिद्ध तो हो गया कि भक्तों का कृपा भगवान की कृपा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरी बात है, जब तक भक्त कृपा नहीं करते हैं तब तक प्रभु भी कृपा, अगर हम प्रभु की कृपा के ऊपर आश्रित रहेंगे तो हम आश्रित ही रह जाएंगे, कभी नहीं होना है कृपा, ये ध्यान रख लेना। अगर हम प्रभु की कृपा के ऊपर आश्रित है, भगवत कृपा के ऊपर, हम ऐसे ही कृपा के आश्रित है, पता नहीं कितना जन्म ले लेंगे भगवान कृपा का, क्योंकि ना वो टेढ़े हैं, वो टेढ़े हैं, सीधी सीधी कृपा करते नहीं है, भगवान टेढ़े हैं कि नहीं, तीन जगह पे एक जगह पे टेढ़े नहीं है, तीन जगह पे टेढ़े हैं, और कृपा भी इतना आसानी से नहीं करेंगे। हाँ जी हाँ, मगर भक्त सीधे हैं, कहते हैं यार सीधे साधु, भक्त सीधे होने के कारण अब भक्त कृपा कर लें तो भगवान कितने भी टेढ़े हैं भक्त उनको सीधा कर देते हैं। राधारानी के सामने चलता है कृष्ण का कुछ ना, सीधी कर देती पूरा, आप देख लो
अब लीला देखो, राधा के सामने कृष्ण का कुछ नहीं चलता है, सबके सामने नाटक चलेगा, राधा के सामने नहीं चलेगा। वो रास से कुंज से निकल गए भगवान, राधा रानी जो है भगवान के साथ में रास कर रही थी, तब तक राधा रानी इतना भाव में आ गए, इतना भाव में ट्रांस में आ गए, बेचारी बेहोश हो गए, भारी चेतना खो गए, भगवान वहाँ से छुमंतर हो गए, रास करते समय छुमंतर हो गए। और जब होश आया राधा रानी को, कहाँ मेरे प्राणनाथ, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है केशव, कहाँ है कृष्ण, हाँ पूछ रहे वृक्षों को पूछ रहे, आपने देखा ललिता को पूछ रहे, विशाखा पूछ रहे, तो वो लोग भी ढूंढने लगे कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए कृष्ण। तो रास्ते आ जाते जाते देखे नारायण खड़े हैं, चतुर्भुज ध्यान शंख चक्र गदा पद्म लेकर नारायण जी खड़े हुए। तो गोपी आए, बोले नारायण जी प्रणाम, परिक्रमा लगाए, महाराज कृष्ण को देखे हमारे लाला को, कान्हा को, बोले ना हमने नहीं देखा। और कृष्ण ही नारायण बन के खड़े हुए थे, समझ रहे। तो गोपियां पूछे, ना हमने नहीं देखा। तो गोपियां चले गए, लास्ट में राधा ने आई, बस प्रणाम करने वाली थी नारायण जी को, प्रणाम करने से पहले ही वो कृष्ण में परिणत हो गए, कृष्ण बन गए अपने, उनके सामने नाटक चलेगा नहीं राधा रानी के सामने, वो क्योंकि ने पूरा सीधा कर देती है। तो भक्त सीधे हैं, कहने के तात्पर्य भक्त सीधे हैं, तो ऐसे सीधे के चरणों में जाएंगे तो भगवान कितने भी टेढ़ा हो, भगवान कितने भी क्रूर भी क्यों आओ, भगवान तो क्रूर नहीं है। हे कृष्ण करुणा सिंधु कहा गया है वैसे तो, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत, वो क्रूर बिल्कुल नहीं है। मान लिया जाए एक तरफ, अगर मान लो क्रूर है भी हैं, मगर ऐसे महात्माओं का अगर कृपा हो जाए तो कृष्ण कितना भी क्रूर हो भी तो भी वो कृपा के लिए, कृपा से वंचित नहीं करेंगे। तो कुल मिला के भक्तों, भगवत कृपा होगी तब जब संतों की कृपा हो। तो ये बात आज जो है सबको समझनी है, प्रभुपाद जी के चरण पकड़ के रखनी है, हमें संतों के चरण पकड़ के रखनी है, यही हमें नैया पार करेंगे कुल मिला के, बाकी कोई उपाय नहीं। राधे राधे। जय कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री श्री दामोदर भगवान की, यशोदा मैया की, राधा रानी की, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि।